अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर से सिवान के लाइफ लाइन कहे जाने वाले दाहा नदी पुल पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं, ये हालांकि 8-9 साल बने हुए हुआ, लेकिन ये पुल क्रैक कर चुका है और पिछले लगभग 4 महीने से सिवानवासी जो तकलीफ झेल रहे हैं उसकी जितनी व्याख्या की जाए कम है। यहाँ आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ महापर्व पे सिवान के सदर विधायक ने जिला अधिकारी से बात करके इस पुल को 2-3 दिनों के लिए खुलवा दिया था, तो बड़ी राहत हुई थी। और उस श्रेय को लेने के लिए बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये हमने किया, ये हमारे प्रयास से हुआ, ये हमारे कहने से हुआ। लेकिन सच्चाई है, सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जो जिला अधिकारी से फोन पे बात कर रहे थे, तो लगातार जिला अधिकारी के संपर्क में थे कि कम से कम महापर्व पे इस पुल के रास्ते को खोला जाए। तो जिला अधिकारी, जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र था, उन्होंने 3 दिन के लिए इस पुल को खोला, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत उसको बंद कर दिया गया। अब इस पे काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ले चलेंगे, और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उसे बनाने का, रिपेयर करने का, या एक बिहारी भाषा है चिप्पी साटना, बिहार के लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो काम चल रहा है। और ये उसके बावजूद ये पुल कितने दिनों तक चलेगा भगवान मालिक है। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे और जो लोग काम कर रहे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि ये एक नया पुल बन रहा है, ये कब से बन रहा है और ये क्यों काम बंद है ये समझ में नहीं आ रहा है। पानी का, जो नदी के पानी के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि कहीं उस तरह की बाढ़ की हालत नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल काम हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि पिछले 7-8 महीनों से या 1 साल से यहाँ पे इस पुल का काम बंद है। हम उस शिलापट के पास भी लेके चलेंगे और उस पर देखा जाएगा कि कितने दिनों में ये पुल बनाना था और कितना समय हम लोगों ने इस पर बर्बाद कर दिया है। तो आइए लेके चलते हैं वहाँ शिलापट पे। लेकिन उसके पहले एक स्थानीय हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे हिजाजा, कि इस पुल के जो आवागमन है उसके बंद होने से आम आदमी जो है उसको कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। अभी हम लोग उधर जाना होता था, कम से 2-3 किलोमीटर चल के जाते हैं। अभी अपने हम गाड़ी बनाने के लिए गए थे तो 3 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ा हमको, और जबकि यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर के दायरे में वो जगह है जहाँ ये मेरा शोरूम है, और परेशानी काफ़ी हो रही है और हर वर्ग की हो रही है। बहुत सारे दुकानदारों का कहना है कि पुल के रास्ते बंद हो जाने से उनकी दुकानदारी पे भी प्रभाव बहुत प्रभाव पड़ा है, और चूंकि व्यवसायिक वर्ग उधर से आ नहीं पाते हैं, उनको कोई साधन नहीं हो पाता है कि इधर से माल उधर ले जाएं। छोटे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, बड़ों को तो कोई खास नहीं हो रही, जो बड़े गाड़ी लेके आते हैं बाईपास से चले जाते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी परेशानी होती है, वो नहीं ले जा पाते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे ये पुल जो नया बन रहा था इसका भी काम रुका हुआ है, अगर ये भी समय से बन जाता तो शायद अभी तक ये पुल तैयार भी हो जाता था। और दूसरा वो पुराना पुल जो है जो क्रैक कर चुका है, जिसके बने हुए 7-8 साल हुए हैं, क्रैक कर गया है, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है वो चिप्पी साटने वाला काम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कल अगर इस पे गाड़ी फिर से उसी तरीके से जैसे पहले चलता था तो ये पुल आड़ पाएगा या फिर डैमेज हो? कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हो सकती है क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ चलती है बड़ी इसी रोड पे, हाईवे रोड है ये, और कब कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को जोड़ता है ये सारा बालू गिट्टी सब कुछ इसी रास्ते। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है इस पर, कम से कम 20 टन 30 टन की बड़ी गाड़ियाँ चलती है इस पर, तो कभी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि ये चिप्पी साटने से इसका निदान नहीं होगा, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था खोजनी होगी, और ये पुल जितना जल्दी हो सके, जो नया पुल बनने जा रहा है इसे भी तुरंत बनाना चाहिए, और उस पर अगर वो चिप्पी साट करके आप चाहते हैं कि उसको पुल को चालू करना, तो एक सुझाव हमारा भी रहेगा कि कम से कम बड़ी गाड़ियों को तो आप रोक ही दें, इस पुल पर ना आने जाने दें, बाकी छोटी गाड़ियों के अलाउ करें, तब जाके इसे शायद हम कुछ दिनों तक, और तब तक जब तक ये पुल जो नया बनने जा रहा है ये चालू ना हो जाए, तो हम ले चलेंगे आपको उस शिलापट पे भी, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सरकार का एक मापदंड होता है कि आप चाहे वो रोड हो चाहे सड़क हो वो कितने दिनों में आपको बना लेना है, और हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है, और उसके लेकर के आम आदमी जो सिवान के जो आम नागरिक हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई, तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था, हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान